सब्सक्राइब कीजिए मेरे एमडी टेक टेक्निकल गुरुजी को और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं 16+16 32 लाड स्टेटर के डाटा के बारे में बताऊंगा आपको। मैं ये स्टेटर अलग प्रकार का है, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है जी। है तो 32 लाड का, 16+16 है, लेकिन इसकी जो डाटा है बहुत ही अलग है और बनाने का तरीका भी बहुत ही अलग है। इसमें 8 कॉइल अंदर और 8 कॉइल बाहर बैठेगी। स्टार्टिंग में कॉइल बैठेगी 700 टर्न रहेंगे कॉइल में, और रनिंग कॉइल में रहेंगे 650 जी। स्टार्टिंग में 700 क्यों और रनिंग में 600? क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें जो वायर गेज है, हम इसमें 32 नंबर लेंगे क्योंकि इसका जो RPM है बहुत ही हाई है और पंखा भी काफ़ी 1.25 इंच के समथिंग का है, और रनिंग में हम 650 ले रहे हैं क्योंकि जो स्पीड है रनिंग पे मेंटेन रहती है इसकी स्पीड। तो मैं सबसे पहले तो स्टेटर बता देता हूँ आपको कि स्टेटर कौन सा है। ये स्टेटर है और इसके अंदर 8 कॉइल लगी हुई हैं। इसके जो कनेक्शन है वो और पंखों से डिफरेंट कनेक्शन है, और आप ये देख सकते हैं हमने इसमें पेपर डाल लिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि पेपर लगने के बाद इसकी नपी ली जाती है कि कॉइल किस साइज की बनाई जाएंगे, किस साइज की बनेगी कॉइल, कितनी बड़ी बनेगी कॉइल। अगर आपको साइज पता नहीं है तो इसकी आप नपती ले सकते हैं किसी धागे से या किसी वायर के टुकड़े से। इस स्टार्टर की जो नपती है, नपती हम लेने के बाद एक फर्मा तैयार करेंगे। फर्मा उसी नपती से ही बना हुआ है। अगर आप के पास में नपती नहीं है तो इस फर्मे के आकार से आप नपती ले सकते हैं। इसमें हमें इस फर्मे के अनुसार हमें ऊपर से कम हाइट रखना है इसकी। इसमें 2 स्लॉट छूट दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छूटेंगे, लेकिन असल में इसकी जब कॉइल डालेंगे तो सिर्फ एक ही स्लॉट बीच का छूटेगा और दोनों स्लॉटों में हम इसमें कॉइल बिठाएंगे। इसके अनुसार इससे लंबी कॉइल बनेगी, इस फर्मे से लंबी कॉइल बनेगी, इसलिए हमने इसके 2 बीच के खन छोड़े हैं ताकि एक खन की जो साइज़ है वो थोड़ी लंबी हो जाए। और इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि दोनों स्लॉट छोड़ के दोनों पहले और दूसरे स्लॉट में बैठ रही है, तो इसकी नपती लेने के बाद हम इसकी कॉइल के बारे में बताऊंगा। ये मशीन है हमारी, मशीन से आप चाहो तो जो पत्ता है इसकी मदद से भी आप ये बना सकते हो। ग्राइंडर के ये पहले सबसे पहले पत्ता लगेगा, उसके बाद में हमारे फर्मा, अगर आपके पास में फर्मा लगाने के बाद में फिर इसके बीच में इस प्रकार से जो रपती लिए इसके साँचा है जिससे हम बनाएंगे उसको लगाएंगे। इससे हमें ईजी तरीका मिल जाता है कॉइल बनाने का और बहुत ही जल्दी कॉइल बन जाती है हमारी। इस हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहले हम धागा ले लेंगे, क्योंकि बांधना जरूरी है कॉइल को, हमें इसमें धागा बांधना पड़ेगा, वो बिखर के इधर उधर चले जाएंगे ताकि कॉइल जरूरी है सेंटर में कहीं भी एक कॉइल आराम से और उसमें कट लगाकर आप बांध सके। जैसे इसमें प्लेट में प्लास्टिक की प्लेट है इस वाली, और एक प्लेट लोहे की है तो। और अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे और इसे हमें 70 बार घुमाना पड़ेगा ताकि 700 टर्न का वायर लिया है, और इसमें हम 700 टर्न लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 700 टर्न घुमाने के लिए इसे 70 बार घुमाना पड़ेगा। तो 700 टर्न आराम से आ जाएंगे हमारे, और इस प्रकार से हमें कॉइल बनानी है। इसकी कॉइल निकाल लेंगे हम, आप देख सकते हैं कि इसकी कॉइल बन चुकी है, और इस फर्मे से कॉइल हम निकाल लेंगे और एक कॉइल में बताऊंगा कि कैसे बैठेगी। और वैसे कि वैसे हमें सारी कॉइल बनाना है और बिठाना है।
इसके कनेक्शन के बारे में मैं आखिरी में ही बताऊंगा। तो मैंने पहले से ही ऐसे नरम कर लें, थोड़ी सी दबा लें ताकि ये दोनों स्लॉट में आ जाए। उसको मैंने एक कॉइल बिठाई थी, मैंने बिठा दे सकते हैं कि इस प्रकार से कॉइल बिठाना है हमें, एक स्लॉट टूटेगा ये आप देख सकते हैं। एक कॉइल और बता देता हूँ मैं कि कॉइल कैसे बैठेगी। हमें एक बीच में छोड़ना है और दोनों स्टार्टिंग कॉइल स्लॉटों में हमें कॉइल बिठानेगी और बैठेगी। इसके बाद हमें कॉइल के जस्ट पास वाला जो है स्लॉट हमें छोड़ना है और उसके पास वाला जो स्लॉट है उसमें हमें इसे बिठाना है। नीचे के वो बहुत ही छोटे हैं, कुछ इस प्रकार से बड़ी कॉइल हम बना नहीं सकते क्योंकि अगर बड़ा ज़्यादा बड़ी कॉइल बना ली तो वो अड़ेगी। इस प्रकार से हम इस बैठे इस कॉइल को बिठाएंगे और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बड़ी आसानी से ये कॉइल चली जाती है। इस कॉइल को हम पहली कॉइल को हम बड़ी आसानी से चली जाएगी, फिर दूसरे खंड में बिठाने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा कॉइल बिठाएंगे हम ताकि कॉइल में स्क्रेच ना लगे और कॉइल आराम से बैठ जाए। दोस्तों ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर आपके पास में कहीं इस प्रकार का पंखा आता है, बड़ा महाराजा राजा महाराजाओं के ज़माने में जब पंखे चलते थे तो इस प्रकार से ही थोड़े बड़े पंखे चलते थे, तो उस प्रकार से बना हुआ है पंखा ये डाटा, तो आपको शायद इस वीडियो से मदद मिल जाए इस पंखे को बनाने की। तो ये कॉइल हमारी लगभग लगभग बैठ चुकी है। हम थोड़ा थोड़ा करके इस कॉइल को हम बिठाएंगे। कॉइल को बिठाने के बाद इसे बांधना भी ज़रूरी है, अगर ऐसे बांधेंगे नहीं तो कॉइल इधर उधर चली जाएगी, मतलब बाहर की तरफ आएगी क्योंकि वायर मोटा है और ये खिंचाता है, थोड़ा टाइटपन पे वायर है। इसको आराम से पेचकस की सहायता से कॉइल को नहीं बिठाना है, पहले पेपर डाल लें उसके बाद ही तो स्क्रैच लग सकते हैं। कॉइल में इसके थोड़ा सा दबा लें दोनों हाथों की सहायता से ताकि कॉइल उचके ना। इसी प्रकार से सारी कॉइल बैठेगी, तो मैं फटाफट से सारी कॉइल बिठा लेते हैं। हम सारी कॉइल हमने बिठा ली है और इस कॉइल को हमने बांध भी दिया है। आप देख सकते हैं कि ये सारी कॉइल एक दूसरे से भी बंधी हुई हैं और कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी ये कॉइल। और अब हम कॉइल बिठाएंगे, कॉइल कुछ इस प्रकार बैठेगी इसकी। दो कॉइल आप देख सकते हैं कि हमने पहले स्टार्टिंग कॉइल बिठा ली है और इसके वायर के कनेक्शन अभी किए नहीं है, अलग अलग करे हुए हैं। अब इस पे हमने कॉटन टेप पे यूज़ किया है ताकि स्टार्टिंग कॉइल रनिंग कॉइल से टच ना हो। बाहर की कॉइल बनाने के लिए हमें 35 नंबर ये आप देख सकते हैं कि एक वन नंबर 35 बता रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग और ये कॉइल कैसे बैठेगी, रनिंग कॉइल हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो बैठ रही है हमारी स्टार्टिंग कॉइल बैठ रही है, रनिंग कॉइल बैठ रही है, उनमें ये इस प्रकार से इसकी कॉइल बनाई गई है। कुछ इस प्रकार से कॉइल बनी है, इसको थोड़ा सा आप दबा लें इसके, बस ये कॉइल को थोड़ा सा इस कॉइल को थोड़ा सा दबा इस प्रकार से छोटा कर लें और ऐसे कैसे एक स्लॉट छोड़कर जो स्लॉट बाकी ही बचे हुए हैं बस उनमें डालना है हमें, ऐसे कैसे डालना है। हमने एक कॉइल इसमें बिठा दी है और अब बारी है कनेक्शन करने की। तो इस कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होंगे कि आसानी से मैं पहले तो समझा देता हूँ जाते हैं ज़्यादा, मैंने अंदर के कनेक्शन भी नहीं किए हैं, वायर ज़्यादा है तो वो कनेक्शन भी 16 वायरों से दो, जैसे अंदर हम कनेक्शन करेंगे वैसे की वैसे ही हम बाहर कनेक्शन करेंगे। और ये पंखा बनेगा चार वायर में, तीन वायर में नहीं बनाएंगे हम। अगर कनेक्शन हमारे उल्टे हुए मतलब तो पंखा उल्टा चलने लगेगा, इससे चार वायर में हम बाहर से ही कनेक्शन कर सकते हैं, उल्टा और सीधा पंखा घुमा सकते हैं बाहर से, तो इसलिए हम अंदर कनेक्शन होंगे इसी कारण हम इसे चार वायर में बनाएंगे।
अब हम हमारे जो दो वायर हैं आप देख सकते हैं इसकी कनेक्शन करेंगे, तो मैं कनेक्शन करने का तरीका आपको बता देता हूँ। सिर्फ एक वायर, ये जो वायर है ये करंट के लिए छोड़ना पड़ेगा, रनिंग का वायर है जो रहेगा हमारा। रनिंग के वायर के बारे में बता दूंगा आपको, ये रनिंग का वायर है। तो रनिंग का जो दो वायर है, इन दोनों वायरों में से दोनों वायरों को इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, अलग अलग कर लेंगे पहले। तो इसे सबसे पहले हम काट लेते हैं धागे को। मैं इसके वायर दोनों अलग अलग कर लिए हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो दो वायर है, ये जो दो वायर है, जो वायर है ये आप छोड़ दिख रहे होंगे आपको कि वीडियो में ये दो वायर है। इन दोनों वायरों में से एक वायर जो है हमें छोड़ना है, जोड़ना और एक वायर से हमें इसका कनेक्शन करना है। तो कैसे कि ऐसे कैसे सारी कॉइलों के हम वायर निकाल लेंगे, एक जो शुरू का वायर है हम इसे छोड़ देंगे, साइड में कर देंगे, और एक जो वायर है ये, और ये जो वायर, ये जो वायर है इस वाली कॉइल से इस जोड़ना है, ये वाला वायर इस वाली कॉइल से हमें जोड़ना है। आगे से के अंदर स्टार्टिंग में हमने ब्लैक वायर लिए हैं और रनिंग में हमने रेड वायर लिए हैं। मैंने वैसे और जैसा मैंने कहा था कि एक वायर आगे से छोड़ दें और इससे तो इस वाले का कनेक्शन हमें इससे करना है, आमने सामने कनेक्शन करना है। आमने सामने होंगे इससे कनेक्शन, तो वैसे ही हमने कनेक्शन करिए। और बाद में 16 वायर से हमने सिर्फ दो दो वायर निकाले हैं, दो अंदर के और दो बाहर के। तो स्टार्टिंग और रनिंग हमारी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है और दो वायर के कनेक्शन वो बताया मैंने कि कैसे वायरिंग की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा। और आपको ये वीडियो पसंद आए आप देख सकते हैं इस वीडियो में, कीजिएगा दोस्तों। पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा फैन, सिर्फ थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है, फिनिशिंग कर लें उसके बाद हम फिर से बताएंगे कि पूरा डिटेल में कि कैसे ये पंखा बनेगा। हमारा कंप्लीट हो चुका है, कर ली है वो, ये फिनिशिंग भी हो चुकी है इसकी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लपेट की गई है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसमें वार्निश डालना भी ज़रूरी है, कॉपर का पंखा है, अगर वार्निश नहीं डालना। अगर मेरी ये वीडियो समझ में आए और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन